उतनी सी थोड़ी बातें रखूंगा। सबसे पहले तो आपके इस अवसर पर हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किन्होंने स्टेडियम राजा नार से किसने क्रिकेट स्टेडियम इसका जो नवीनीकरण, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्योंकि स्टेडियम तो बहुत वर्षों से बना हुआ है लेकिन इसको अंतर्राष्ट्रीय हरियाणा का ये, अरे अभी बाद में बात करता हूँ यहाँ, पहला एक प्रकार का उच्च श्रेणी का स्टेडियम होगा जिसमें आने वाले समय में न केवल देश के प्रांतों की टीमें खेलेंगी बल्कि दुनिया के देश भी यहाँ आकर अपनी टीमों को भेज करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल होंगे। 22.5 एकड़ जमीन में फैला हुआ स्टेडियम आज उसका रेनोवेशन, उसका सुधारीकरण, उसका नवीनीकरण 115 करोड़ रुपए लगा करके और इसका पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अभी तक उसमें बैठने की कैपेसिटी 25,000 लोगों की है, नया बनकर तैयार होगा तो 40,000 लोग उसमें बैठ पाएंगे। और ये जो टेक्नोलॉजी इसमें रहेगी उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना बड़ा काम अभी एक साल के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट फरीदाबाद के अंदर आप लोग देखेंगे। अभी तक फरीदाबाद का यदि इतिहास हम ध्यान करें तो देश की आजादी के समय ये उद्योग नगरी इलाके से बसाया गया था और उत्तर भारत का एक सबसे बड़ा उद्योग नगर ये उस समय विकसित हुआ था। लेकिन समय के काल के हिसाब से हमारे जो फरीदाबाद के और दिल्ली के बीच में कनेक्टिविटी है, जो संपर्क है, वो ठीक से सुधार का नहीं हुआ तो फरीदाबाद की बजाय पिछले वर्षों में गुड़गांव में हमसे आगे निकल गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले वर्षों में गुड़गांव के बराबर के फरीदाबाद की भी कनेक्टिविटी बन गई है और अब फरीदाबाद किसी भी नाते से किसी भी तरीके से अब गुड़गांव से पीछे नहीं बल्कि कुछ मामलों में गुड़गांव से आगे बढ़ रहा है। नेशनल हाईवे इसके ऊपर लगातार अभी हमारे आने के बाद हमने इस पर काम कराया, इसका थोड़ा रूप किया, इसमें प्रयोग किए। आज दिल्ली के अंदर एंटर होने के लिए हम फरीदाबाद के लोग 10 मिनट में दिल्ली के अंदर जा पहुंचते हैं। यह अलग बात है दिल्ली में भी काम होना शेष है। मैं तो दिल्ली सरकार को बताऊंगा कि हमारे फरीदाबाद के लोगों को सुविधा हो इसलिए दिल्ली के अंदर का जो पोर्शन है उसमें यदि उन सड़कों को छोड़ा करना कराया जाएगा तो और कुछ नहीं तो ये दिल्ली जो धुआं ने डूब की है, दिल्ली हर साल 3-4 महीने तक डूबी रहती है, उस धुएं से भी निजात मिलेगी, प्रदूषण कम होगा, फिर हम सड़कों को छोड़ा कर दें और दिल्ली के लिए भी कर दें, फरीदाबाद के लिए भी कर दें, ये उनका निवेदन करता हूं। भाई बहनों दो बड़े महानगर दिल्ली और फरीदाबाद, इसमें गुड़गांव और फरीदाबाद, ये दोनों का विकास एक दूसरे के साथ कंपटीशन में हो रहा है लेकिन दोनों के लोगों का आपस में एक तालमेल बढ़िया बने हमने पिछले वर्षों में एक कोशिश करके दिल्ली को और गुड़गांव को एक मेट्रो के साथ जोड़ा गया है। वो मेट्रो भी पास हो गया मित्रों, 30 किलोमीटर लंबी लाइन जो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, बहुत जल्दी शुरू होने वाली गुड़गांव उसकी जो डेवलपमेंट प्लान है आज उसमें 115 सेक्टर, लेकिन फरीदाबाद मित्रों 2031 का प्लान कितने 143 सेक्टर, वहां से भी 28 सेक्टर ज्यादा फरीदाबाद के बनेंगे कि फरीदाबाद उससे भी आगे निकल रहा है। ये बहुत विस्तार अगले समय में फरीदाबाद का होने वाला है। केएमपी का केजीपी का जिक्र किया गया, उसकी सुविधा तो मिली है लेकिन ये जो हमने नए पुल का जंगा के ऊपर निर्माण करवाया मंडावली का पुल, अब उसके कारण से 15 मिनट में यहाँ के लोग
नोएडा पहुंच जाया करेंगे, यहाँ पहुंचने के लिए 2.5-3 घंटे का समय हमको चाहिए। तो इस प्रकार गुरुग्राम फरीदाबाद का विकास निरंतर हो रहा है। फरीदाबाद की बहुत सी योजनाएं समाज सेवी के कारण से पूरे आने वाली है। समाज सेवी का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट में सीसीटीवी कैमरा की 160 करोड़ रुपए की योजना, सारे फरीदाबाद में सीसीटीवी कैमरा लगेंगे ताकि यहाँ लाल डॉक्टर की स्थिति वो ठीक हो जाए, सुरक्षा सबको मिले, हर किसी के ऊपर सीसीटीवी कैमरा की नजर रहे। फरीदाबाद एक बढ़ता हुआ विश्व स्तरीय नगर बन रहा है, इसलिए एक बड़ी योजना 160 करोड़ रुपए की सीसीटीवी कैमरा की लगने वाली। बर्थम रोड को भी जमा करने के लिए 42 करोड़ रुपए का प्रावधान ये उसमें किया गया है। इसी प्रकार स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में सड़कों का निर्माण और सुधार, इसके लिए बहुत जल्दी टेंडर होगा, 245 करोड़ रुपया उसके लिए तय कर दिया है और 1 महीने के अंदर अंदर उसका शिलान्यास करके फरीदाबाद की सब सड़कों का ये निर्माण कर दिया जाए। इसी प्रकार इन सड़कों पर जो तारे लगी हुई है, ये तो रेलवे पावर डिपार्टमेंट की तारे निकलती है, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की है, चाहे घरों की है, चाहे ट्रांसफार्मर है, उन सबको अंडरग्राउंड किया जाएगा। लगभग 150 करोड़ का उस समय आएगा। इस काम को भी फरीदाबाद में सब सड़कों को कर लिया जाए। आज फरीदाबाद ग्रेटर फरीदाबाद जो नहर पार का इलाका है, पुलिस का अपना जो आईजी रेंज का जो हेडक्वार्टर है, उसका जो आवासीय परिसर वहां 760 मकान बनकर तैयार हो गए हैं 65 करोड़ रुपए का इसके तुरंत बाद एक बड़ा कार्यक्रम आज किया जाएगा इसलिए मित्रों चाहे आपका शिलान्यास हो चाहे आज के आगे जो मैंने काम बताए हैं उन सब में लगभग 700 करोड़ रुपए की नई योजनाएं ये आज आपको 1 महीने के अंदर प्रतिभा से शुरू हो जाए। भाई बहनों, हम लोग हरियाणा में तो 4 वर्ष सरकार को हो गए हैं, 5वें वर्ष में अब ये विपक्षी पार्टियां भी अपना कुछ ना कुछ बन लेकर खड़े रहेंगी, कुछ ना कुछ धाकर पाकर फैलाएंगी, लेकिन उन सबका जवाब देने के लिए आपने देखा है हरियाणा के 4 साल के अंदर उपलब्धियों के ऊपर जनता ने मोहर लगाई है, आपने मोहर लगाई है। परिणाम स्वरूप 5 नगर निगमों के चुनाव जिसके अंदर सब पार्टियां इकट्ठी हो गई, सबको यही था बीजेपी आगे बढ़ाई है, इसको रोको। कहते हैं कहीं कहीं का रोड़ा मारवती का कुंभा रोड़ा, मणमण की गालियां देने वाले ही है आपस में एक दूसरे को, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग हो, एक दूसरे को खाने को पड़ते हैं। लेकिन इस नगर निगम चुनाव में सब इकट्ठे हो गए, कोई इधर का दल कोई उधर का दल, अरे अपने अपने दल में थे साथ मिल गए तो ये दल नहीं रहे, ये दलदल बन गए, ये दलदल बन गए। और उस दलदल में भी जैसा स्वभाव है कमल का, कमल दलदल में खिलता उस दलदल में कमल मिल गया। नगर निगमों हमको डराया जाने लगा क्या कि देश में 3 राज्य भारतीय जनता पार्टी ने खो दिए, खो दिए ठीक है, लेकिन अगर आप हिसाब लगाएंगे 3 राज्यों का तो मध्य प्रदेश में वोट भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा है, कांग्रेस का कम है। अलग बात है कि 5 सीटें वहां थोड़े थोड़े माध्यम से हम पीछे रह गए। आज वो सरकार जो बनी है वो भी एक प्रकार की अल्पमत की सरकार है, पूरा बहुमत वहां नहीं आया, पूरा बहुमत 116 सीटों का होता है, उनको 115 सीटें मिली। तो इस अल्पमत की सरकार में मालूम नहीं कब तक वो चलेगी। यही नाम राजस्थान का है, राजस्थान में 0.5% वो लोगों को मिले लेकिन उनको भी बहुमत 200 में से केवल 100 ही सीट मिली है। कोई बहुत बड़ा बहुमत लेकर के वो नहीं कर रहे हैं, वहां वहां भी हम बराबर है, मध्य प्रदेश भी बराबर है, कोई बनने का में खोया नहीं है। 15-15 साल राज करने के बाद हम लोग इन स्थिति पर आए हैं, तो निश्चित रूप से 5 साल ये चला नहीं पाएंगे, ऐसा हमारा आप लोगों के बीच में घोषणा करता हूं कि 5 साल की सरकार चला नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बड़े बड़े झूठे वायदे करके आए किसानों का ऋण माफ करेंगे, अरे मध्य प्रदेश में किसानों का ऋण माफ करने के लिए अगर कोई या फाइनेंस का ज्यादा बैठा तो बता सकता हूँ इनको 99,000 करोड़ रुपया का दी, 99,000 और इनका वजन कुल मिला करके 1 साल का 1,90,000 करोड़ रुपया है, आधे से ज्यादा बजट एक ही मद में कौन सरकार खर्च कर सकती, नहीं कर सकती। तो झूठा वायदा करके
फिर उसमें से दोतरी बातें निकाल निकाल कर अच्छा इतना कर देंगे इतना कर देंगे इतना कर देंगे उनके मुंह में लीला जैसी बात करके और एक घोषणा कर दी आने वाले इस वर्ष के लिए। तो नहीं तो ये धोखा जो करने वाले लोग हैं कि यहां भी तरह तरह की बातें फैलाएंगे तरह तरह के विषय कहेंगे आखिर इन लोगों में जिस प्रकार की सरकारें चलाई है इनको लगता है कि हम भी वैसे चलाते हैं हम नहीं चलाते हम कोई भेदभाव नहीं करते हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करते हैं और ये भ्रष्टाचार में बिल्कुल लाख तक सने हुए हैं लाख तक सने हुए उनके सारे कारण उनके सामने आ रहे हैं और कहीं सीबीआई के पीछे लगी है कहीं कोर्ट के पीछे लगे हैं कहीं विजिलेंस के पीछे लगी है कहीं दूर तक पहुंचे वो बचेंगे नहीं। एक पार्टी का नेता 10 साल के अंदर है और निश्चित रूप से आने वाले समय में दूसरी पार्टी के जो बड़े नेता अपने आप को दूर का युवा मानते हैं सलाखों के पीछे जाने ही वाले हैं निश्चित रूप से सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। तो अभी बात मैं करता हूँ इसमें कहता हूँ कि खुलताबाद महानगरी ये हमारे लिए एक महानगरी यानी एक औद्योगिक टाउन है उद्योग की जितने भी हमने नई योजनाएं बनाई जितनी पॉलिसी बनाई जिसके बारे में आपको भी बताया गया आगे चल करके इसको और विस्तारित करेंगे और इस उद्योग को आगे बढ़ाएंगे। पीएमपी के ऊपर हम लोग बड़े बड़े नगर बसाने वाले जहाँ उद्योग आएगा और नौजवानों को स्किलिंग यानी उनका जो हुनर है उसको बढ़ा करके उसके लिए हमने परवल के दुधोड़ा में एक यूनिवर्सिटी बनाई है तो नौजवानों को उसके लिए ट्रेंड किया जाए ताकि उनको नौकरी दी जाए उद्योगपति भी खुश जनता भी खुश नौजवान भी खुश रोजगार भी देंगे। हर एक वर्ष को किसान के बारे में आपको सारी बातें आ रही है मेरा इतना ही कहना है कि हम आप लोग भरोसा रखें हर घर के लिए चाहे व्यापारी हो चाहे इंडस्ट्रियस्ट हो युवा हो चाहे मानव बेटों के लिए घर देने की योजना हमारी एक भरोसा के अंदर सबको घर मिलेगा कि योजनाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं हमें व्यवस्था बनाने की बहुत काम की है हर व्यक्ति को घर बैठे ये सुविधा मिले उसको सरकारी कामों के चक्कर ना काटना पड़े। उज्ज्वला स्कीम में महिलाओं के लिए घर घर में गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम हमने किया है 25 जनवरी के बाद दो ही घर 26 जनवरी के बाद दो ही घर ऐसा नहीं बचेगा जिसके घर में गैस सिलेंडर नहीं होगा। मित्रों हम ऐसे इतने काम कर रहे हैं इनको पहले भी किए हैं फिजाबाद को हमने मॉडल बनाया पढ़कर को उपमंडल बनाया हमने 580 करोड़ रुपए की लागत से मुदस्सर से डेवलपमेंट बाहर से मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो लेकर के आ रहे हैं सड़कों का जाल उठाया है और भी आगे जिस प्रकार की आपकी कोई मांग डिमांड होगी आज ही रात को भी आप डिमांड हमारे सामने रखेंगे हम उसको आगे बढ़ाएंगे और कुल मिलाकर इस विधानसभा क्षेत्र में नगर निगम के काम को मुझे बताए गए हैं उन सब कामों के लिए इस विधानसभा में अलग से 50 करोड़ रुपए के एक अनुदान की आज घोषणा करता हूँ ताकि इस विधानसभा में जो नगर निगम के माध्यम से हमारे काम है हमारे विधायक हमारे यहाँ के उद्योग मंत्री उनके आवाज है उद्योग का बताया जो सकते हैं तो बहुत सारे काम कराए जाएंगे आपका बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुखी हरियाणा सरकार